ऑल स्टूडेंट, सीडी 306 में हमारा टॉपिक है ए लाइन फ्रॉक। ए लाइन फ्रॉक की ग्रेडिंग किस प्रकार की जाती है, किस तरह से करते हैं, वो हम सीखेंगे इसमें। तो ग्रेडिंग जो है वो एक बेसिक पैटर्न बनाया जाता है, उससे फिर उसको लार्ज पैटर्न भी बनाया जाता है और उसी से स्मॉल पैटर्न भी बनाए जाते हैं। जब हम ग्रेडिंग करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरीके से रहेंगे, किस तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे, उसका ओरिजिनल पेपर पैटर्न है वो हम बनाएंगे। पहले हम इसका ओरिजिनल पेपर पैटर्न बनाएंगे जो इस प्रकार है, जो कि मैंने यहाँ पे ये बना लिया है। तो इसके जो ओरिजिनल है पेपर पैटर्न बनाएंगे, उसके ग्रीन मार्क निश्चित करेंगे, इसमें अनफोल्ड का जो मार्क है वो करेंगे, इसकी जो लाइनें हैं वो ड्रॉ करेंगे, इसमें जो है ग्रीन मार्क ऑनलाइन और फ्रंट एंड बैक कौन सा जो पार्ट है वो हम इसमें लिखेंगे, जो हम हमारा कंप्लीट इंस्ट्रक्शन के साथ जो कंप्लीट पैटर्न है वो हम ये इस तरीके से हम ये पैटर्न तैयार कर लेंगे। उसके बाद में हम इस पैटर्न की ग्रेडिंग करेंगे। तो ग्रेडिंग करने के लिए हम इस तरह से इसको यहाँ पे जैसे कि आप ये हमारे पास जो बेसिक पैटर्न है मैं उससे लार्ज पैटर्न बना रही हूँ, तो इसका लार्ज करेंगे। तो इसमें जो ब्लैक पेन है ब्लैक पेन से मैं इसकी इस तरीके से आउटलाइन करूंगी, तो ये इस प्रकार होगा। अब मैं इससे लार्ज मुझे इससे लार्ज पैटर्न बनाना है, यानी बड़ा साइज बनाना है। ये 22 चेस्ट वाला है तो मैं इससे 24 चेस्ट का बनाऊंगी। तो इस तरीके से ये जो लाइनें हैं इसमें इस तरह से, अब मैं इसको हाफ इंच यहाँ पे मुझे बढ़ाना है। तो जैसे कि ये जो लाइनें हैं इसमें इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर इसे हाफ इंच हम बढ़ा दें, ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस तरह, ये देखो ये दो पॉइंट लगा ये लगा लिए हैं मैंने, और यहाँ पे हम आगे किसका आएंगे ये हाफ इंच, तो ये इस तरीके से होगा। ऐसे ही हम 1 इंच इसको बढ़ाना है, तो यहाँ पे इसको 1 इंच ये जो मार्क किए थे वहाँ पे इस तरीके से ये 1 इंच यहाँ पे बढ़ गया है। अब हम इसका नेक करेंगे, तो नेक भी है इसमें 1/4 हमें बढ़ाना है, तो इस तरीके से तो इसमें ये जो है ये 1 इंच की है, यहाँ पे 1/4 जो है 1/4 मार्क कर लेंगे। 1/4 हम ऊपर की तरफ यहाँ पे यहाँ नीचे की तरफ लेके आएंगे, हमें बढ़ाना है घटाना नहीं है। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि ये जो नेक है यहाँ पे हमको बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो यहाँ पे 1/4 डाउन करेंगे तब ये नेक की साइज है वो बढ़ जाएगी। इसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं होता है इस तरीके से। और अब हमें ये जो शोल्डर है शोल्डर को बढ़ाएंगे, तो शोल्डर भी हमें इसी तरीके से बढ़ाना है। ये जो पॉइंट है यहाँ से हमें 1/4 यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है, तो ये इस तरीके से होगा। फिर हम इसकी आउटलाइन कर देंगे, तो ये हमारा जो लार्ज वाला पैटर्न है वो पूरा बन के तैयार हो गया है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और अब हम स्मॉल का पैटर्न तैयार करेंगे। जो हमारा ये बेसिक पैटर्न है इसी से हम स्मॉल पैटर्न बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे वही इस तरीके से, पहले हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये देख रहे हैं ये जो इसमें ब्लैक लाइन है वो इसकी बेसिक पैटर्न की लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है वो बेसिक पैटर्न की लाइन है। अब इसका स्मॉल पैटर्न बनाना है, तो स्मॉल पैटर्न बनाने के लिए हम यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे इस तरीके से ये ट्रांसफर करेंगे। तो हमें पहले इसकी लेंथ ट्रांसफर करनी है, तो लेंथ के लिए हमें जो 1 इंच के मार्क कर रखे, तो यहाँ इस
तरीके से हमने ये 1 इंच ऊपर ले लिया है देखो, और ये लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये 1 इंच हमारा इसके फ्रॉक की जो लेंथ है वो कम हो गई है। इसी प्रकार हम यहाँ पे हाफ इंच कम करेंगे, तो हाफ इंच कम करने के लिए हम ये जो स्ट्रेट ये लाइनें हैं इसमें ये जो पॉइंट है, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है यहाँ से और यहाँ तक, हम इसको इस तरीके से यहाँ पॉइंट को घटाएंगे तो ये हमारी हाफ इंच घट जाएगी। इसी प्रकार हमें इसमें 1/4 शोल्डर में कम करना है, शोल्डर में कम करना है स्मॉल पैटर्न बनाने के लिए, तो हमें यहाँ से ट्रांसफर करना होगा। ये जो पॉइंट है ये 1/4 के हैं, 1/4 के जो पॉइंट है यहाँ पर हम थोड़ा सा हल्का सा हम ये 1/4 करेंगे तो हमारे ये पैटर्न यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से ये 1/4 शोल्डर से और ये 1/4 यहाँ, तो ये पैटर्न भी 1/4 हम इस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेक छोटा हो जाएगा। ये हमारा स्मॉल पैटर्न तैयार हो गया है। हमने जो ग्रेडिंग की थी उसकी कटिंग के बाद इस तरीके से जो पैटर्न तैयार हुए थे, बेसिक पैटर्न हमारा था वो 22 चेस्ट वाला था। फिर उससे हमने स्मॉल पैटर्न तैयार किया, स्मॉल पैटर्न 20 का हो गया, और जो लार्ज पैटर्न है वो 24 का हो गया। अब इसमें हम इस तरीके से ये यहाँ पे ग्रेडिंग हमेशा ऑन फोल्ड साइड में नहीं होती है, तो ये है ऑन फोल्ड का मार्क है, इसमें इस तरीके से ये ग्रेन मार्क है, और इसमें जो हमने ग्रेडिंग की थी उसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज किया था, तो इसमें देख रहे हो कि ये पैटर्न हमारा छोटा हो गया है। जो बेसिक पैटर्न है उससे हमारा ये पैटर्न छोटा दिख रहा है, और ये जो पैटर्न है वो बड़ा दिख रहा है, लार्ज दिख रहा है मतलब, और ये स्मॉल हो गया है। इस प्रकार हमने ये ग्रेडिंग करके ये ए लाइन फ्रॉक का पैटर्न तैयार कर लिया है, ए लाइन फ्रॉक का पैटर्न तैयार कर लिया है। इसमें फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट है, फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट है इसमें, और ये हमारा कंप्लीट ड्राफ्ट तैयार हो गया है। और ग्रेडिंग जो हम करते हैं वो मैनुअल एंड कंप्यूटराइज दोनों तरह से हम कर सकते हैं। थैंक यू।